हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अब्बास में एक और न्यू ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। फ्रेंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारे दोस्तों की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं। फ्रेंड अक्सर दोस्तों के साथ ये मसला हो जाता है कि उनको काफ़ी सारे न्यू नंबर से कॉल या मैसेजेज आते हैं, या फेसबुक व्हाट्सएप पे उन्हें कोई बंदा तंग करता है और उन्हें पता नहीं होता कि ये बंदा किस जगह से जो है कॉल या मैसेजेज या व्हाट्सएप और फेसबुक पे तंग कर रहा है। और अगर वो चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। आप उसका तमाम डेटा पता कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप मैप्स में उसकी जो लोकेशन है वो भी चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले आप लोगों को पता था, चलो काफ़ी सारे दोस्त एप्लीकेशन देकर वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो बिल्कुल आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इतना काम हम एप्लीकेशन से नहीं लेने वाले जितना हम ब्राउज़र से लेने वाले हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू भी हम एड्रेस पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो एड्रेस एप्लीकेशन देती है ये गलत देती है। सो हम एड्रेस जो है अपने ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र की मदद से पता करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो है ये आईपी लॉगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल नंबर पे आपको कोई बंदा कॉल करता है या मैसेजेस करता है और आप मोबाइल नंबर से पता करना चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर किस बंदे का है और ये बंदा कहाँ से है, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को उस बंदे को व्हाट्सअप या फेसबुक तक लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने उसे एक लिंक सेंड करना है और उस लिंक को आप लोगों ने ओपन करवाना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही वो बंदा उस लिंक पे ओपन करेगा तभी आप उसका एड्रेस पता कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले जो है अपना आईपी लॉगर एप्लीकेशन जो है ये ओपन कर लेते हैं। ये फ्रेंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, पहले भी इसका मैं एक लिंक बना चुका हूं, तो मैं आपको नया लिंक दिए क्रिएट करके बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्लस का आइकन है, हम यहां पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इमेज यूआरएल। ओके फ्रेंड, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। फ्रेंड इसके बाद आप लोगों ने क्रोम ब्राउज़र में चलने जाना है। अब आप यहाँ पर कोई इमेज, कोई म्यूज़िक, कोई ड्रामा या कोई फिल्म, कोई भी चीज़ हो वो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेनी है। और यहाँ पर आप शेयर जो चीज़ भी हो, चाहे कोई वीडियो हो, पिक्चर हो, जो भी हो, जैसा कि मैं यहाँ पर एक जो है मोबाइल की इमेज ओपन कर चुका हूँ, ये पहले मैं सर्च कर चुका हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो इसका लिंक है ये अपने पास कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं दोबारा अपनी वो एप्लीकेशन में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं वो लिंक जो है पेस्ट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस इमेज का करूँगा तो मैंने क्या करना है, अगले बंदे को कहना है कि यार मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, ये मोबाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जो है इसकी प्राइस भी ठीक है, सो आप चेक करें और मुझे मशवरा दें कि क्या ये मोबाइल मैं ले लूँ, ये ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने उस बंदे से ये क्लिक को ओपन करवाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है लॉगर कमेंट। ओके फ्रेंड, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम या कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी, यहाँ पर कुछ भी आपने लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों ने डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो हमारा सबसे नीचे जो लिंक है इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगर डोमेन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नीचे लिंक है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को पांच लिंक शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इस किस्म का लिंक जो है सेलेक्ट करना है जहाँ आई पी लव्स
लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आईपी लॉगर या इस किस्म का कोई भी वर्ड होगा तो हो सकता है कि अगले बंदे को पहले इस चीज़ के बारे में पता हो और उसे पता चल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पर 2NO.CO जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी जो है सिलेक्ट कर देते हैं, मैं .jpg सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला लिंक है इसे हम यहाँ से कॉपी करके भी भेज सकते हैं या शेयर करके डायरेक्ट यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, मैं शेयर पे करता हूँ और व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ और जिस बंदे का मैं एड्रेस पता करना चाहता हूँ ये मैं उसे शेयर कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे शेयर कर देता हूँ। जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही मोबाइल का लिंक है। तो अब क्या, जब ये बंदा ये लिंक ओपन करेगा जी, तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। जब वो बंदा इस तरह इसे ओपन करेगा तो वही मोबाइल जो था और मोबाइल की इमेज थी वो उसके सामने ओपन हो जाएगी। उसे बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और वो उसका एड्रेस और सारी चीज़ें हमारे पास पहुंच जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। जी फ्रेंड, इस वक्त आप देख सकते हैं वही मोबाइल और वही सब कुछ जो है ओपन हो चुका है। जब वो बंदा यहाँ पर ओपन करेगा वो लिंक, तो बिल्कुल यही चीज़ उसके सामने जो है ओपन हो जाएगी। बस फ्रेंड, जब वो बंदा ये ओपन कर लेगा अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, हमने बैक चले जाना है और ये हमने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी इसे हमने दोबारा ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इसे हम जब दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। हम अपने न्यू लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं उसका यहां पर भी ये डेटा बता रहा है कि ये बंदा कहां से है, उसका सिटी बता रहा है, लेकिन ये गलत बताता है। तो सो हमने क्या करना है, ये जो आईपी एड्रेस है हमने इसे कॉपी कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, हम इसे कॉपी जो है सॉरी प्रेस करके रखेंगे, हम इसे प्रेस करके रखेंगे और ये कॉपी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये इस वक्त को कॉपी हो चुका है। तो हम अपना जो क्रोम ब्राउज़र है ये ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस .com। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। फ्रेंड, ये काम आप लोगों ने ज़रूर करना है, ये व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, क्योंकि वहाँ पर ये गलत बताता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेक माय आईपी एड्रेस प्राइवेट, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, ये इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर ऊपर आप कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पर तीन लाइनें हैं, तो आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है। फ्रेंड, नेट काफ़ी स्लो है तो इसके लिए सॉरी। जी इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने वो जो आईपी एड्रेस आप लोगों ने कॉपी किया था वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है सारा डेटा यहाँ पर शो हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसका आप देख सकते हैं मुकम्मल पाकिस्तान पंजाब सिटी भी इसने बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर इसने जो है पोस्टल कोड भी बता दिया है, इसने ये भी बता दिया है कि ये बंदा कौन सी सिम जो है यूज़ कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मैप्स में
इसने उसकी लोकेशन भी बता दी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।